में जाते हैं और तू घर वापस आ रहा है। काम ही करने गया था अम्मा। शेख साहब ने मौलाना की बात मान ली। अम्मा वो चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ बनाती हूँ। उसके साथ केक रस होगा? मौलवी मीर हसन का केक रस खत्म हो गए। मीर हसामुद्दीन बिस्किट कर दें। हाँ हाँ ठीक है। वैसे कमाना कब शुरू करेगा? कब तक बाप की पेंशन पे पलेगा है? हाँ बहुत जायदाद है उसके पास। एजेंडा फॉर द मीटिंग राइट? ठीक है जी, एम साहब के साथ एक घंटे में फिर मीटिंग। चलें ठीक है। क्या है यार, कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं यार, बकवास है यार। क्यों नहीं लग रहा? हाँ और तूने पासवर्ड चेंज किया है? हाँ तेरे लिए लगाया क्या? यार बहुत जरूरी काम है यार भाई, दे दे। पहले ही नेट स्लो चल रहा है, सिग्नल कम आ रहे हैं, बाहर खड़ा मैच देख रहा हूँ। यार जॉब लगने वाली है, बस सीवी देनी है यार, जरूरी है भाई। यार दे दे यार, जॉब लगेगी यार, तेरी पहली ट्रीट यार। अच्छा चल सर ना खा ले। इबलीस की मजलिस शूरा। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदो देरो कलीसा का फसूं। वाह क्या बात है इकबाल साहब की, तो यही वाला शेर लगाएंगे। कॉपी पेस्ट। दफा करो मैच पे, चल रहा है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है भाई? ये क्या है? वैसे आपकी रिसर्च से हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सपोर्ट हुई है। ग्रेट वर्क, एक्सेलेंट। आपका फोन बज रहा है। ओह सॉरी, मैं सैलरी का भूल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कंपनी अपनी एम्प्लॉयज की मेहनत को अप्रिशिएट करती है। खैर अब मुझे लगता है कि इन लोगों के रोजगार का मसले का हल मिल जाना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू से कांग्रेचुलेशंस एंड बाकी आई विल टॉक टू यू आउटसाइड। तैमूर कल फर्स्ट टाइम में तुम्हारी प्रमोशन डिस्कस करनी है, तो मेरे ऑफिस में आ जाना। अरे थैंक यू बॉस, थैंक यू। इधर आ मेरी जान, इधर आ। मैं जानती हूं कि मैं तुझे बेहद ताने देती हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझसे बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भाई मैंने क्या किया? पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। करेगा ना? करेगा ना? करेगा।
50 अफराद झुलस के जा बहक, बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। कराची के क्रिप्टन इलाके से एक लाश बरामद हुई है। It is 9 p.m. This time check was brought to you by Sweet Biscuits. ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि मक्तूल का नाम तैमूर है और उन्होंने समाजी वेबसाइट फेसबुक पे इलामा इकबाल का इक्तिबास शाया किया, जिसे तौहीन आमेज करार देकर उन पे फतवा दिया गया, जो कि इनके कत्ल का सबब बना। भाई मेरा क्या कसूर था? नहीं, मुझे बचाया क्यों नहीं?